निजारुण प्रभापूर मज्ज्रह्माडला चंपकाशोकपुन्नाग सौगंधिलसत्कंद्रकलंकाभ मृगनाभवशेषका वदन स्मर मंगल्य गृह तोरणचिल्लिका वक्तलपरीवाह चलनलोचना नवचंपकनाथा दंड विराजि भरण भासुरा कदम मंजरी क्लिप्त कर्ण पूर मनोहरा कामेश बदमांगल्य ग्रूत्र शोभित कंदरा कनकांगद केयूर कमुनीय भुजान्विता रत्न गृह वे चिंता खलोल मुक्ता फलान्विता कामेश्वर प्रेम रत्न मणि प्रतिपण अब ये जो सारा का सारा जो वर्णन चल रहा है ये महात्पुर सुंदरी का अरुण वर्ण है जिसकी आभा अनंत ब्रह्मांड में प्रकाशित हो रही है त्रिपुर सुंदरी का वर्णन चल रहा है उनके केशों में चंपक पुन्नाग और सौगंधिक पुष्प सजे हुए हैं श्री ललिता का मुख कामदेव का मंगल ग्रह है देखिए कामेश्वरी हैं ये काम की ईश्वर काम इनका किंकर है काम इनका दास है काम इनका वृत्य है कामेश्वरी हैं कामेश्वर कामेश्वरी काम तो यहां है लेकिन काम विचारे की स्थिति क्या है दासवत वो दास है मृत्यु है वो कुछ नहीं कर सकता दास है ना दास का काम है कोई करेगा वो कामेश्वरी है तो तो उनकी भौं उसका मेहराब है उसके नेत्र ऐसे लग रहे हैं जैसे मुखरूपी अमृत सरोवर में चंचल मछलियां हों चंपा जैसी नाक है और नाक का मोती मानव सितारों की कांति को तिरस्कृत कर रहा है तो इसमें यह जो ललिता सहस्र नाम है इस ललिता सहस्र नाम में उस त्रिपुर सुंदरी के उस समस्त सौंदर्य वैभव का वर्णन है वे शिव के अंक में विराजमान है वे स्वाधीन वल्लभाएं अर्थात शिव उनके अधीन हैं। कलंक कस्तूरी रजन कर बिम जलमयम कला कर पूर्म करंडम भूयो भोग नूनम तव कृते जैसे श्री राधा के जो सोलह श्रृंगार हैं उसी प्रकार से ये त्रिपुर सुंदरी हैं जो राधा का रूप वैभव है वही त्रिपुर सुंदरी का रूप वैभव है तो सौंदर्य की वो जो पराकाष्ठा है तीनों लोगों का सौंदर्य वैभव तीनों लोगों का जो सौंदर्य वैभव जो है सारा का सारा टोटल पूर्ण संपूर्ण तीनों लोगों का संपूर्ण सौंदर्य वैभव जहां है वो ललिता ललितम रत चेष्टतम उसका नाम जो महात्रपुर सुंदरी है वो इसलिए है कि वो तीनों लोगों का सौंदर्य वैभव की वो जो अधिष्ठात्री हैं सौंदर्य आया कहाँ से सौंदर्य का उत्स वही है सौंदर्य का स्रोत वही है सौंदर्य की पूर्णता वही है अब त्रिपुर है तो तीनों लोगों का है